नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। हर रोज की तरह आज भी देश का सवाल लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं हम। देश के सवाल ये हैं कि नागरिकता पर मचे संग्राम को देखते हुए जब पीएम मोदी और गृहमंत्री ने जनता को समझाने की कोशिश की, पीएम मोदी और अमित शाह जब अपने हर बयान में जनता से अफवाहों से बचने की अपील कर रहे हैं, उन्हें साजिश से आगाह रहने की सलाह दे रहे हैं, तो फिर उनकी ही पार्टी के नेता अपने बड़बोलेपन में हिंसा को उकसाने का काम आखिर क्यों कर रहे हैं? विपक्ष की अफवाहों को और हवा देने का काम क्यों कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एनआरसी पर पीएम मोदी लोगों का डर भगाना चाहते हैं। भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई। मां भारती की संतान है भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं। अमित शाह एनपीआर पर लोगों को समझाना चाहते हैं। इस पर अभी इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा। नागरिकता पर झूठी आग पर डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार। हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है? ये डिटेंशन सेंटर और एनआरसी का कोई लेन देन नहीं। लेकिन कुछ बीजेपी नेता ही कर रहे हैं सबसे बड़ा डैमेज। चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार का इन लोगों का व्यवहार रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इटली वालों को इटली चला जाना चाहिए, खासतौर पर सोनिया गांधी को। अगर हिंदुस्तान का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, सीए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पता हूँ कि अगर इसी प्रकार का इन लोगों का व्यवहार रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इटली वालों को इटली चला जाना चाहिए, खासतौर पर सोनिया गांधी को। अगर हिंदुस्तान का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, सीए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पप्पू है, कभी पास हुए नहीं, हमेशा फेल होते रहे। अगर इनके समझ में नहीं आ रहा तो थाईलैंड की नागरिकता ले लें। मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान नहीं है, आज ये जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, आज ये गांधी वाला नहीं है, आज साथियों हिंदुस्तान है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। आते हैं दो चार टुच्चे टुच्चे लोग धमकी देने का काम करते हैं। मियां जी, अब ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी का है, अगर इशारा हो गया ना एक घंटे के अंदर सफाई कर देंगे। मोदी शाह के अभियान में लगा रहे हैं पलीता। मुसलमानों ने तो 200 देश से नागरिकता पर फैले भ्रम और गुस्से की आग के बीच सरकार के मुखिया और गृह मंत्री देश को समझा रहे हैं विपक्ष की साजिश से लोगों को आगाह। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता की गरिमा देने का रास्ता, ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस देश के 130 करोड़ भारतीयों ने निकाला है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपील को दरकिनार कर वो डर फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। मियां जी, अब ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी का है, अगर इशारा हो गया ना एक घंटे के अंदर सफाई कर देंगे। आपकी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। सुना आपने, ये अपनी हेकड़ी दिखाने के चक्कर में वो बयान दे रहे हैं जो खुद देश के पीएम और गृह मंत्री को गवारा नहीं। मोदी और शाह सबका साथ सबका विकास वाले नारे को दोहरा रहे हैं और ये जनाब 60 मिनट में सफाई का डर दिखा रहे हैं। नेताजी ने नागरिकता कानून के समर्थन में रैली की, लेकिन बयान ऐसा दे दिया
जो जी का जंजाल बन गया। मैं पिछले कई महीनों से ओवैसी को ढूंढ रहा हूँ, मिलता नहीं है। क्या नहीं है? मेरे हाथ में बहुत दिन से खुजली सी भी हो रही है, मिले फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि सीएए क्या है, एनआरसी क्या है। इन लोगों ने 1984 के समय जब इंदिरा गांधी जी का की हत्या हुई, उस समय जिस प्रकार से इन्होंने देश के अंदर कत्लेआम किया, हजारों सिखों को इन्होंने सरेआम जलवा दिया, मरवा दिया, इन लोगों का पेट भरा नहीं है क्या? ये क्या चाहते हैं देश के अंदर इस प्रकार की हरकतें करना? ये देशद्रोही वाला कानून इनके ऊपर लागू होना चाहिए। ये देशद्रोही अगर सबसे बड़े अगर देश के हैं तो कांग्रेस के लोग हैं। विपक्ष के विरोध के नाम पर बीजेपी के नेता सूरजपाल अम्बू का बड़बोलापन बयान भी देखिए, इनके हाथ में खुजली हो रही है। इस तरह के बयान से ये नागरिकता पर भड़की आग सुलगा रहे हैं या सुलझा रहे हैं, आप खुद तय कीजिए। मुसलमानों ने तो 200 देश से जो पोते वसवा धारे त्याग करी सके छे, हिंदुओं ने तो एक देश भारत छे, अने भारत आवे अने अने नागरिकत्व मळे, तमारा पेटमां शेनू पाणी रेड़ाई छे। एक राज्य के मुखिया कैसे देश की करीब 20% आबादी को भड़का रहे हैं? वो आबादी जो डर और अफवाहों से गुमराह हो रही है, उसे समझाने के बजाय रूपाणी जी को अपना वोट बैंक नजर आ रहा है। यूपीए के जमाने में भी एनपीआर हुआ मगर सिटीजनशिप एनआरसी नहीं हुआ, और अब के एनपीआर में और पहले के एनपीआर में फर्क ये है कि माँ बाप का नाम पूछकर कहाँ उनकी पैदाइश हुई बताइए, आधार से जोड़ रहे हैं उसको आप। बीजेपी नेताओं के बड़बोले बयानों की वजह से ही विपक्ष को सरकार की मंशा पर अटैक का मौका मिल जाता है। हिंसा पर उतारू भीड़ को भड़काने वाला बयान क्यों दे रहे हैं नेता? कि जब देश के मुखिया जनता को समझा रहे हैं तो बड़बोले नेता क्यों आग लगा रहे हैं? बड़बोले नेताओं को बीजेपी में कौन शह दे रहा है? क्या देश से ऊपर हो गई है हिंदू मुस्लिम वाले वोट बैंक की राजनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जब देश के मुखिया जनता को समझा रहे हैं तो बड़बोले नेता क्यों आग लगा रहे हैं? हिंसा पर उतारू भीड़ को भड़काने वाला बयान क्यों दे रहे हैं नेता? बड़बोले नेताओं को बीजेपी में कौन दे रहा है शह? क्या देश से ऊपर हो गई हिंदू मुस्लिम वाले वोट बैंक की राजनीति? जी हां, आपने देखा हमारी रिपोर्ट में भी देश का सवाल भी यही है। सीएए के बाद एनआरसी से जोड़कर सीएए को देखा गया तो कोहराम मच गया। जी हां, उसके बाद एनपीआर की बात हुई तो फिर एनआरसी को जोड़कर देखा जा रहा है, संग्राम जारी है। यूपीए हो, एनडीए हो, एनपीआर तेरा, एनपीआर मेरा। जी हां, विपक्ष कहे एनपीआर एनआरसी की ओर पहला कदम है। एक मुल्क, एक इंसान, एक पहचान भी होती, लेकिन इतनी पहचान में इंसान कहीं उलझता सा दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एनपीआर यानी कि ये नेशनल पॉलिटिकल रजिस्टर दिख रहा है। गृहमंत्री कहें शांति बनाए रखें और उनके नेता अशांति फैलाने में लगे हैं, आपने उनके जहरीले बड़बोले बोल भी देखे। जी आज इसी बात को लेकर मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। देश का सवाल में हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। जी हाँ, ये वो पैनल है जो अपने अपनी नुमाइंदगी, पार्टी की नुमाइंदगी करने आया है। आप आखिर इनको सुनकर ये समझ पाएंगे, आपका संदेह, आपकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश होगी। मेरे साथ स्टूडियो में राइट या रॉन्ग कार्यक्रम का वो चिरपरिचित जाना चेहरा शहजाद पूनावाला मौजूद हैं। जी हाँ, मेरे साथ कानूनी जानकार और लगातार राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप देश रतन निगम साहब को देखते और सुनते रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में प्रेम कुमार साहब। जी हाँ, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन प्रेम साहब, प्रेम से मैं ये कहना चाहता हूं दर्शकों को ये पता रहे कि आपकी विचारधारा और आपकी शैली कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। हैदराबाद से मेरे साथ इलियास सराफुद्दीन साहब सा। जी आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और प्रखर वक्ता हैं, लेकिन बोलते बोलते कई बार मर्यादाओं को लांग जाते हैं। इलियास साहब, जनता का ख्याल रख के आज हमें एक सार्थक बहस करनी है, हमें जनता को समझाना है, भड़काना नहीं है। इस मंच का इस्तेमाल इसलिए ना किया जाए
कि सियासत से लोगों को डराया जाए। हमारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और हमारे साथ बीएल वोरा साहब, जी हां, आपने देश की सेवा की, आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे और इसके साथ साथ आपने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आपने काम किया है। सबसे पहला सवाल इलियास साहब आपसे, कौन डरा रहा है आपको, कौन बहका रहा है और आप बहक क्यों रहे हैं? एनपीआर का एनआरसी से क्या लेना देना? अमीश, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बात होम मिनिस्ट्री के 2018 और 19 के नोटिफिकेशन में भी है और 12 से ज्यादा मर्तबा पार्लियामेंट के फ्लोर पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद एतराज किया है कि एनपीआर की इंफॉर्मेशन को एनआरसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप मेहरबानी करके पार्लियामेंट के रिकॉर्डिंग्स को क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए मेरी बात के लिए। दूसरी बात यह है कि 14 के करीब इंफॉर्मेशन लिए जाते थे ब्लॉक्स में 2010 से लेकर 2017 तक या उससे पहले, लेकिन अब 20 ब्लॉक्स कर दिए गए हैं एनपीआर के फॉर्म के अंदर, जिसमें पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, उनकी पैदाइश के मुकाम को इंक्लूड किया गया, जिसकी बुनियाद पर यह शक आ गया कि अब यह इंफॉर्मेशन यकीनन एनआरसी के लिए इस्तेमाल में होगी, जिसकी बुनियाद पर डॉक्यूमेंट्स अगर ना निकले तो करोड़ों हिंदुओं और मुसलमानों और दूसरों की सिटीजनशिप जाएगी, जिसकी बुनियाद पर उनके नौकरियां, पढ़ाई, प्रोविडेंट फंड, सैलरी सब खतरे में आएंगे। यार तो केवल जानकारी है इलियास साहब, जानकारी ली जा रही है, हर 10 साल में होती है इलियास साहब। आप भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आप भी जानते हैं कि ये जानकारी सरकार लेती है, लेकिन इसको सीधे एनआरसी से जोड़ देना, इसका क्या लेना देना? एनपीआर में अगर आपको जानकारी देनी है तो दीजिए, ये ऑप्शनल है। मोदी जी और अमित शाह जानकारी लेकर उसके साथ जो गेम करते हैं वो डेंजरस है। हमने नोटबंदी के वक्त भी देखा पैसों की जानकारी का कैसा गलत इस्तेमाल हुआ, हमने जीएसटी में देखा कारोबार की जानकारी का कैसा गलत इस्तेमाल हुआ। तो मोदी जी अमित शाह जानकारी मिट्ठे बच्चे बन के ले लेते, बाद में पूरे देश और देशवासियों को लाइन में लगा के बर्बाद कर देते। इसीलिए जानकारी देने से पता है इलियास साहब आपको, इलियास साहब आपको पता है विषय विषय कैसे बदलता है, आपको पता है असद कुछ कहते हैं और अकबरुद्दीन कुछ कह देते हैं, ये भी तो आपको जानकारी है। असद कुछ समझाना चाहते हैं और अकबरुद्दीन कुछ और कह जाते हैं। कोई भी बात करने से पहले देश के संविधान का ख्याल रखा जाए, आपस में आग लगा के देश को टुकड़े करने का काम ना किया जाए। इलियास साहब, काश ये अकबरुद्दीन को आप समझाते तो ज्यादा बेहतर होता है। इलियास साहब, शांति उन्नति को लेकर आगे चलने की बात की जाए। इलियास साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज आपको इसके लिए ताली होनी चाहिए। आज पहली बार आप लगातार मेरे साथ देश का सवाल में बैठते रहे, लेकिन आज जो सार्थक और सकारात्मक सोच आपने दिखाई है, जो आपके विचार दिखे हैं, मुझे ऐसा लगता है आज आप तारीफ के काबिल हैं। हमारे साथ इस बीच बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी भी जुड़ चुकी हैं और मुझे ऐसा लगता है नेहा, आज आप ही पर सबसे बड़ा दायित्व है, सबसे बड़ा जिम्मा है कि ये जो भ्रम है, ये संदेह है, ये गलत फहमी है, ये कंफ्यूजन है, आप ही को दूर करना होगा, क्योंकि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। काश कि ये आप लोग पहले समझाते तो मुझे ऐसा लगता कि आज देश में जो ज्वाला धधक रही है वो नहीं धधकती। सबसे पहली बात, एनपीआर में पहले 15 इस बार 21 जानकारियां मांगी गई हैं। लोगों को ये भ्रम है कि ये बीजेपी की चाल है, कि ये इशारा करता है एनआरसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं आप। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि अगर 15 से 21 बढ़ा दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मांगी गई है, तो ये कौन लोग हैं जिनको भ्रम है? ये वही लोग हैं जो टीवी चैनलों पर बैठकर चिल्ला रहे हैं, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं लोगों को कि होम मिनिस्टर साहब ने खुद क्लैरिफाई किया है कि अगर एक्स्ट्रा जानकारी मांगी गई है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, आपसे कोई कागज नहीं मांगे जा रहे हैं, आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जा रहा है, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसको अपडेट करना है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही एलपीजी सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरीके की जो सरकारी योजनाएं हैं, उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। और जब अरुंधति रॉय जैसे बुद्धिजीवी वहां जंतर मंतर पर खड़े होकर कहते हैं कि रंगा बिल्ला बता दो, तो समझ में आता है कि किस तरीके से वो हमारे देश का दौर चल रहा है, कोई नामू शामू कह देता है, कोई डम डाउन जो आ रहा है वो कह देता है। आप सोचिए कितना डेंजरस ट्रेंड है। राइट और रॉन्ग तो आप ही से पूछेंगे कि जो चल रहा है ये राइट है या रॉन्ग है। मैं जरा पहले सारे मेहमानों को ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा। नेहा, आप अपनी बात पूरी करें जी। सो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब देश के गृहमंत्री खुद
एक चैनल पर आकर विस्तार में बताते हैं कि किस तरीके से एनपीआर और एनआरसी में कोई रिलेशन नहीं है। वो बताते हैं किस तरीके से ये पूरी तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको स्वयं ये जानकारी देनी है, कोई प्रूफ नहीं देना है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगा, छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। चैप्टर 15 जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है 2018-2019 और उसके बाद वेबसाइट, मुझे ऐसा लगता है उसमें खोल के देखे तो सीधा कदम, जो पहला कदम दिखता है वो एनपीआर के जरिए ही एनआरसी की ओर आगे बढ़ना ही है। गृह मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट और वेबसाइट। चलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि उसको हटा देना चाहिए और कह देना चाहिए कि मेरी बात सुनिए ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुनिए। 2010 में जब एनपीआर हुआ था वो भी प्रीकर्सर टू एनआरसी की तरह हो सकता था, 2015 में जब अपडेशन हुआ वो भी प्रीकर्सर टू एनआरसी हो सकता। ए लीड्स टू बी नहीं होता है, ए मे लीड टू बी। जब देश का गृहमंत्री कह रहा है, जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है एक मंच से कि हम एनआरसी अभी नहीं करने वाले हैं, तो इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? आप उस भ्रम, प्रेम कुमार जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप उस भ्रम को दूर कीजिए ना। प्रधानमंत्री कहते हैं कैसे भ्रम दूर होगा सर, आप मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, आपने बोलने ही नहीं दिया ना मुझे, जी ने बोल दिया। आप प्रश्न भी लेने को तैयार नहीं है तो भ्रम कैसे दूर होगा कि एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा, बोलिए इसका जवाब दीजिए। क्या कहा गृहमंत्री ने, आपने सुना? मैं मेरी प्रधानमंत्री जी को भी हमने सुना, देश ने गृहमंत्री को भी सुना, लेकिन देश आज भ्रम में है एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा। आप प्रवक्ता हैं, बताइए देश को। से मेरी रिक्वेस्ट है कि भ्रम ना फैलाएं। जो प्रधानमंत्री जी का और गृहमंत्री जी का बयान है लोगों तक पहुंचाएं कि एनपीआर एनआरसी के लिए कदम नहीं है, एनआरसी जब आएगा तब आएगा। आप घोषणा कीजिए इस तरह की, आप घोषणा कीजिए देश में एनआरसी लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप घोषणा कर रही हैं, से कौन लेना, आप घोषणा कर रही हैं कि देश में एनआरसी लागू नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं घोषणा कर रही हूँ यहाँ बैठ के, मेरे प्रधानमंत्री ने कह दिया है। ठीक है, एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये घोषणा हो जाती है एनआरसी लागू नहीं होगा, सारा विरोध ही खत्म हो जाता है, सारा विरोध खत्म हो जाता है। देखिए देखिए सी ए ए आने के बाद, सी डबल ए आने के बाद, तो हमने बिहार में देखा मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई एनआरसी प्रदेश में लागू नहीं होगा, उसके बावजूद आरजेडी ने जो वहां पर कोहराम मचाया वो सांकेतिक तौर पर सियासत के लिए किया गया कदम था, ये साफ तौर पर दिखाई दिया। आप कह रहे हैं कि आप कह दीजिए तो ये विश्वास का मामला है। निश्चित रूप से जब गृह मंत्री उल्टा बोलेंगे, प्रधानमंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, डिटेंशन सेंटर के बारे में झूठ बोलेंगे, आप अलग अलग तरह की बातें लगातार बोल रहे हैं। आप देखिए जैसे विश्वास का मामला है, निश्चित रूप से जब गृह मंत्री उल्टा बोलेंगे, प्रधानमंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, डिटेंशन सेंटर के बारे में झूठ बोलेंगे, आप अलग अलग तरह की बातें लगातार बोल रहे हैं। आप देखिए जैसे एनआरसी है या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये पहले से चल रही प्रक्रिया है, इसमें कांग्रेस का इनिशिएटिव है ये कभी निगम साहब कानूनी तौर पर आप समझाइए, एनपीआर क्या है, एनआरसी की ओर पहला कदम है? ये तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में, वार्षिक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ना उसका उसका वो पहला कदम है। इसके एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा, मैं भाजपा से नहीं हूं, शायद मेरा वक्तव्य यहां उनसे थोड़ा अलग हो। अगर आप एनआरसी की बात करते हैं, वो सरकार की संवैधानिक वैधानिक न्यायिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 1951 में पहली बार हुआ और उसके बाद नहीं किया गया। 1951 में क्या गलत किया गया था, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इसमें एक चीज, आप बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आप एक चीज जोड़ लीजिए कि सीएए आने से पहले एनआरसी और उसके बाद एनआरसी में क्या कोई फर्क आया? ये मैं शहजाद से लूंगा, ये राइट है या रॉन्ग है, शहजाद से लूंगा कि भाई एनआरसी हुआ क्यों, बना हुआ है? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये उनकी दायित्व है जिसको पूरा करना। अगर वो नहीं करते तो शायद मैं पहला व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट में जाके, जैसे असम में हुआ, मैं पिटीशन फाइल करके और ये सारे जितने आपको मैंने बताए रूल्स और रेगुलेशंस और आर्टिकल्स, उनके बेसिस पे मैं ही शायद पहला होगा जो इस पे पिटीशन फाइल करके करवा सकता हूं। और दूसरा एनपीआर है आपका, पॉपुलेशन का रजिस्टर है, पहली बार मेरा भी हुआ था 2010 में, मैंने बहुत सारी जानकारियां दी थी और उसमें माँ बाप की जानकारी, तब भी मुझे याद है मैंने उसमें होता है ना सन एंड डॉटर ऑफ क्या होता है वो भी था, अब अलग से शायद कॉलम बना दिया गया है। तो ऐसी मैं समझता हूँ हरेक को अपने माँ बाप के बारे में मालूम है और उनके जन्म स्थान के बारे में मालूम, मौखिक रूप से बताना है और ये सबको ही बताना है। भाई आप अनाथ तो नहीं है ना,
आपका कहीं ना कहीं से पैदा होके तो आए हैं, और आपको ये नहीं पता कि आपके माँ बाप कहाँ हैं क्या नहीं है, और माँ बाप को भी भाई जरूर पता है सबको। तो यही अगर सरकार स्पष्ट करती रहे तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भ्रम है और ये जो हवा बना हुआ है ये नहीं होता। 2010 में अगर एनपीआर हो रहा है उसमें उन प्रश्नों की जरूरत नहीं है जो आज वो प्रश्न जोड़ेंगे। 13 नंबर कॉलम जी, हमारे साथ बोरा साहब भी है और शहजाद भी। शहजाद, आखिर एनआरसी का हवा कहां ले जाके खड़े करेगा इस मुद्दे को? नागरिक परेशान है नागरिकता की आड़ में। तो देश का सवाल यही है कि एनआरसी और अरुंधति जैसे लोग, आप जानते हैं क्या हो रहा है देश, ये वामपंथी लोगों का तो काम ही यही है भाई। देश का सवाल यही है कि एनआरसी के बाद अब एनपीआर पर विपक्ष कर रहा है बवाल, और अब मुझे दोनों तरफ से 2-3 सवाल है, मुझे आर्टिकुलेट करने दीजिए। पहला सवाल ये है मेरा कि देखिये, एनआरसी का पहला कदम है एनपीआर, ये आपने सही बताया मनीष जी, कई सारे डॉक्यूमेंट्स में मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर और किरण रिजिजू के बयान में भी था जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। पर ऐसा ही बयान 2010-11 में एमएचए के वेबसाइट पे, उनके कागजात में, और उस समय के एमओएस होम मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भंवर, उन्होंने दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तब भी एनआरसी का प्रीकर्सर था अगर एनपीआर, तब इन लोगों ने क्यों नहीं हुड़दंग मचाया? तब का एनपीआर सेक्युलर, आज का एनपीआर क्यों कम्युनल हो गया? प्रेम कुमार जी, प्रेम से सुनिए ना जरा, मैं 2-3 आपको भी अच्छे सवाल लगेंगे ना। सवाल आप राइट वाले सवाल पूछ रहे हैं, लेफ्ट वाले भी पूछूंगा, रॉन्ग वाले नहीं पूछूंगा। अब मेरी बहन नेहा जोशी मुझे बताया कि चिन्हित करना है, एक सेकंड ना, ये अब आगे शुरू हो गए है ना। तो नेहा जोशी का कहना है कि हमें बेनिफिशियरी चिन्हित करना है, तो बेनिफिशियरी चिन्हित करने के लिए आधार की प्रक्रिया की ना 6,000 करोड़ रुपए देकर, अब फिर से बेनिफिशियरी चिन्हित करना है। अब मेरा तीसरा सवाल, देशरतन निगम जी कह रहे हैं कि मैंने 2010 में मां बाप का नाम भरा था, मां बाप का नाम भरने में कोई आपत्ति नहीं, पर मां बाप का नाम भरने के अलावा अब कॉलम यह जोड़ दिया गया है कि मां बाप के जन्म तिथि और जन्म की डेट और जन्म का स्थान बताइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एनपीआर सिर्फ निवासियों को गिनने की प्रक्रिया है, शिनाख्त की प्रक्रिया नागरिकों की नहीं है। अगर नागरिकों की शिनाख्त की प्रक्रिया नहीं है, और देशरत्न निगम साहब बहुत काबिल वकील है, वो भी जानते हैं, सिटीजनशिप एक्ट में इन्होंने नहीं, बीजेपी वालों ने नहीं, कांग्रेस वालों के जमाने में 1987 के बाद एक प्रावधान है कि जो 1987 के बाद पैदा हुआ है वो ये बताएंगे कि उनका कम से कम एक मां बाप जो है भारत का नागरिक है, तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो क्या लोगों के मन में सवाल पैदा उत्पन्न हो रहा है कि क्या इस एनपीआर का डेटाबेस एनआरसी में जाएगा? और मेरा इसमें आखिरी सवाल यह है, जवाब अगर चला भी जाता है, प्रकाश जावड़ेकर ने एक हमारे देश में नया गैंग, मुझे एक ब्रेक की मजबूरी है, मुझे 10 सेकंड चाहिए सर। अफवाह गैंग के अलावा अब नया गैंग एक शुरू हो चुका है कि मैं कागज नहीं दूंगा गैंग। अब प्रकाश जावड़ेकर ने इस मैं कागज नहीं दूंगा गैंग को जवाब दिया है कि कागज नहीं देना है। तो जब कागज नहीं देना है तो क्यों मचा रहे हैं बवाल? यह है देश का सवाल। जी जी जी, वाह शहजाद, आज आपने राइट रॉन्ग और देश का सवाल, मैंने आपका भी ब्रांडिंग कर दिया, आपने मेरी ब्रांडिंग की, मैंने आपका ब्रांडिंग किया, पर देश का सवाल यही है कि यही जब नहीं देना है कागज तो कागज नहीं दूंगा गैंग के जो लीडर बैठे हैं तो स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर, क्योंकि ये सियासत है, पब्लिक है जो सब जानती है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है और हमारे साथ तमाम वो मेहमान जिनको आप लगातार सुन रहे हैं बने हुए हैं, छोटे से इंतजार के बाद। जी हाँ, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देश का सवाल लगातार जारी है, वो तमाम मेहमान जिनको आप सुन रहे थे, देख रहे थे, वो अब भी बने हुए। मैं बोरा साहब के पास अभी तक नहीं जा पाया था, बोरा साहब माफी चाहूंगा, आपके पास मैं नहीं आ पाया था। बोरा साहब ये बताइए, एनपीआर को लेकर एनआरसी में तो आप धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन जहां तक एनपीआर की बात की जाए, इसको लेकर क्या लोगों के मन में एक सर्वेलांस का डर दिखाई देता है कि सारा डाटा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी तमाम खुफिया जानकारी सरकार के पास पहुंच जाएगी? देखिए, एनपीआर की बात मैं एक मिनट बात करूंगा, पहले मुझे जरा देश की सुरक्षा के बारे में जरा बात करने दीजिए। देखिए, देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी लगता है कई लोगों को चिंता नहीं है। कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि देश में शांति ना हो,
को चाहते हैं कि हमें खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है, उससे हमें और कुछ किसी चीज से काम नहीं है, और कुछ ऑफ कोर्स ऐसे चाहते हैं कि हाँ भाई देश की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए एनआरसी होना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं बेचारे जिनको इसका समझ नहीं है और बड़े कई लोगों के पीछे वो लग जाते हैं जिससे काम और खराब होता है। अब एनआरसी को अगर हम लेते हैं तो जैसा देश रतन निगम जी ने कहा कि 1951 में हुआ था, लेकिन तब बड़े हमारे यहां बाहर के आए हुए लोग नहीं थे, तब इतना वोट बैंक पॉलिटिक्स का इश्यू नहीं था, आज वो हो गया है इसलिए बवाल हो रहा है। अब तीनों चीजें अलग अलग हैं, सीए अलग है आप जानते हैं, एनआरसी अलग है और पॉपुलेशन रजिस्टर अलग है। अब पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करते हैं तो इसका बेसिक तो यही था कि जितने सिटीजन हैं उनको कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो मिलने चाहिए, वो पुरानी एक्सरसाइज है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार ने थोड़ी ये गलती कर दी कि सब मुद्दे साथ उठा लिए। इसका बेसिक तो यही था कि जितने सिटीजन हैं उनको कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो मिलने चाहिए, वो पुरानी एक्सरसाइज है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार ने थोड़ी ये गलती कर दी कि सब मुद्दे साथ उठा लिए। अभी मुश्किल से आग ठंडी हुई नहीं थी प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद सीए और एनआरसी पे के एनपीआर का मुद्दा इन्होंने छेड़ दिया, लेकिन इनकी वैधानिक मजबूरी है, 2021 में सेंसस भी होना है और ये जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है टाइमिंग खराब हो गया और जो देश विरोधी तत्व हैं उनको मौका मिल गया कि आग जो उन्होंने लगाई है ये लगी रहे और भड़कती रहे जी, और इनको थोड़ा देश के बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो इस आग में घी का काम कर रहे हैं अपने जहरीले बोल से। नेहा जोशी आपने सुना, आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपने देश की सेवा की है, आप जो जिस तरह से आपके नेता लगातार एक के बाद दिखे गोली मार दो, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, नॉर्थ कोरिया भेज दो, आपको नहीं पता? नहीं नहीं, आपको नहीं नाम पता, लेके बोलिए ना कि नहीं, किस मैं, नेता ने? मैं तो रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की बात सुनिए सुनिए नहीं आप सुनिए एक बात, अगर सामने से आकर पुलिस का काम है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस हाथों में चूड़ियां पहनने के लिए नहीं वहां पे जाती है, वैसे बहुत सेक्सिस्ट वो यूज कर रही हूं, लेकिन मुहावरे की तरह आप इसको देखें अगर, तो प्रधानमंत्री का पहनावा देख करके प्रदर्शनकारियों को पहचानने के लिए हैं। कुछ इस डिबेट का है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही हूं तो आप भी शायद मुझे इंटरप्ट ना करें, इतना तो लिहाज रखेंगे। इंटरप्ट के सवाल है, इंटरप्शन जवाब दीजिए ना, बात पूरी कर लूंगी तो भरपूर सवाल कुछ जवाब दीजिए, पूरी हो रही है बोलिए, मैंने सवाल रखा। पुलिस का काम पुलिसिंग है, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया जाएगा और वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स को एक शील्ड बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा और पुलिस को अगर एक्शन लेना पड़े तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा ना हो? आपने देखा किस तरीके से एक बच्चों से भरी हुई बस को टारगेट किया गया इतना प्रिय सवाल, आप कहेंगे उत्तर आप कहेंगे कि पुलिस में किस खड़ी होकर देखती रहे, पुलिस कुछ करे लेकिन तो वो भी गलत ना करे तो हिंसा जिस तरह से सामने आई है। एक सेकंड मुझे एक बात बताइए कि अरुंधति रॉय ये कहती है कि गलत इन्फॉर्मेशन सरकार को दो एनपीआर में, एक सेकंड अरुंधति रॉय देश नहीं है, अरुंधति रॉय देश हो भी नहीं सकती, आपकी बात सही है, आपके आपकी जो अमेश दोनों कागज फाड़ने वाला गैंग है वो एक शब्द भी तो बोले करने में, अरुंधति रॉय को आपने पोस्टर गर्ल बना रखा है ना, आपकी सेक्युलरिज्म लिबरलिज्म सारी चीजों का आपने उसको सेक्युलरिज्म का पोस्टर गर्ल बना रखा है, आप उसको कंडेम क्यों नहीं करते? देश में देश में धर्म फैलाना। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि देश का गृह मंत्री बोल रहा है कि एनआरसी और एनपीआर का कोई लेना देना नहीं है, उसके बात पे भरोसा नहीं है, पर अरुंधति रॉय लगातार भड़काने के लिए वोट बैंक को आपके दिल्ली चुनाव से पहले साधने के लिए वो झूठ फैला रही है, आपके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा। आने से पहले तक ये कहा जा रहा था कि सीएए और एनआरसी में कोई संबंध नहीं है, अभी भी यही कहा जा रहा है, अभी भी यही कहा जा रहा है, कोई एनपीआर अभी भी यही कहा जा रहा है, लेकिन लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है, कहीं और कहा गया है तो मुझे दिखा दीजिए। सुन लीजिए, एनआरसी आया, सीएए आया
तो असम में जो एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख आपके एनपीआर प्रेम कुमार जी आपका एनपीआर कहे कि हमारा एनपीआर पहला कदम है एनआरसी का तो वो सेक्युलर, इनका एनपीआर कॉम्युनल, ये कैसे हो जाता है? मुझे वो समझाइए ना कि जो प्रक्रिया आप शुरू करें 2010 के आगे ले जाए तो वो कॉम्युनल, आप हर चीज नहीं लाते, हर चीज में आपका निगम साहब ने जैसे आपकी सदन में जगह बदलती है आपका स्टैंड बदल जाता है, बदल गया और एनपीआर आने से भी वही हो रहा है। प्रेम जी तो मतलब मनमोहन सिंह कॉम्युनल आदमी थे। इलियास साहब आप लोग केवल इसमें मीन मेख निकालकर सूत न कपास जुलाहों से लठी लठा केवल फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और बहकाते हैं। अमीश, दो सिंपल से पॉइंट सुन लीजिए। पहली पॉइंट, वोरा ने कहा कि देश की सिक्योरिटी हो, मैं इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूं, 71 की वॉर में पप्पा ने पुलिस के मनीष साहब 71 की वॉर में, अरे भाई सुन लीजिए मनीष साहब, 71 की वॉर में मेरे वालिद ने खून पसीना देश के लिए लगाया, सिक्योरिटी हो देश की, और मोदी गवर्नमेंट में ज्यादा सिक्योरिटी हो क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जवान हमारे मोदी गवर्नमेंट के अंडर में ही मारे हैं। तो इंफॉर्मेशन देने में प्रॉब्लम नहीं है, उस इंफॉर्मेशन का जो इस्तेमाल करेंगे मोदी अमित शाह वो पूरा अंधा करने के लिए उसमें प्रॉब्लम है। डिमोनेटाइजेशन की इंफॉर्मेशन लिए बर्बादी लाए, जीएसटी की इंफॉर्मेशन लिए बर्बादी लाए, जीएसटी की इंफॉर्मेशन लिए बर्बादी लाए, ये भी इंफॉर्मेशन लेंगे बर्बादी लाए, और हम उसके खिलाफ है, एनआरसी में करोड़ों लोगों को शहरियत छीन लेंगे, उनकी जायदाद, उनका माल, उनकी नौकरी खतरे में डालेंगे, देश को आपस में तोड़ेंगे। शराफुद्दीन जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। शराफुद्दीन जी नंबर वन है मेरे भाई एक सवाल का जवाब बोलिए। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो यूपीए का हिस्सा थे 2004 से 2014 तक। ये रूल जो जिसके प्रक्रिया में हो रही है, 2003 में नोटिफाई हुए, 2010 में पहली बार ये किया गया, उसी रूल के तहत ओवैसी साहब कुछ नहीं बोले। जब 2010 में एमएचए खड़े होकर कहता है कि ये पहला स्टेप है एनआरसी का, तब ओवैसी साहब कुछ नहीं बोले। आज ओवैसी साहब बोलने से उनको कोई रोक नहीं पा रहा। ऐसा कैसे हुआ कि 10 साल जब ओवैसी की चहेती सरकार थी और उसने वही काम किया, तब आपको एनपीआर सेक्युलरिज्म का दूल्हा लगा और आज आपको कम्युनलिज्म का नागिन लग रहा है? कैसे हो गया ऐसे? ना सुन लो मैं समझ गया, अब जवाब सुन लो। हाँ, जवाब सुन लो, क्योंकि आज जो रूलर्स है वो रूलर्स के दिमाग में डर्टी माइंड है। डर लगता है ये आखिर सियासती है जो इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जन जागरूकता की कमी रही और लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाई। अगर सरकार ट्विटर के जरिए कह रही है तो हर अल्पसंख्यक को ट्विटर नहीं समझ में आता, हर अल्पसंख्यक को वो बातें नहीं समझ में आती जो इश्तिहार के जरिए अंग्रेजी अखबार में दिए जा रहे हैं। देखिए, जरूर है लोगों को समझाना चाहिए, और इसमें सरकार के साथ साथ विपक्ष की, ओवैसी जैसे लोगों की, इलियास शराफुद्दीन जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर नहीं करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों से, नागरिक होने की जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं वहां पर, और कहीं ना कहीं ये दोषी फिर आप चुप रहे, बीच में ना बोले। बीच में मत करिए। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में जो एनआरसी, उसको नाडा बोलते हैं, वो हर 10 साल में अपडेट करते हैं, बांग्लादेश में एनआरआईसी है, उन्होंने भी ये सारी, और हमारे शर्म की बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमसे इतना पीछे हैं वो कर लेते हैं और यहां पर उसको ना करने दिया जा रहा है। ये देखिए, इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, जो सीए के वक्त जो हिंसा हुई, ये बताया जा रहा था, अभी आज ही जो वीडियो आया है कि जामिया का गेट दिल्ली पुलिस ने तोड़ा, और वीडियो में बड़ा साफ आ गया है कि जामिया का गेट भीड़ तोड़ रही थी, और वो भी आ गया हिंसा में, कौन लोग लिप्त है, कौन हिंसा 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 में देखिए। अरे भाई, जांच का विषय है, इसीलिए पुलिस के जरिए सारी जांच हो रही है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस चीज को साफ करें जो मेरा सवाल था। वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे बोरा साहब के पास जाना है,
मेरी जानकारी में मैं चाहूंगा कि वोरा साहब ये साफ करें कि इस तरह के जब डाटा को इकट्ठा किया जाता है तो किसी भी तौर पर कोई सर्वेलांस इसका मकसद नहीं होता। आप पहले अपनी बात पूरी करें फिर मैं वोरा साहब। देखिए बड़ा साफ है कि जो भी जानकारी ली जा रही है लोगों की भलाई के लिए जा रही है और घुसपैठियों की भलाई के लिए नहीं ली जा रही है, ये बड़ा साफ होना चाहिए। सरकार बहुत सारी स्कीम्स बनाती है और जो संसाधन हमारे नागरिकों पर लगने चाहिए वो लगेंगे, इसलिए खतरे में बहुत ज्यादा नागरिकता पड़ रही है। अरे आपकी कोई नहीं पड़ रही है, आप हवा कर रहे हैं, आप डर फैला रहे हैं, कोई नहीं है, घुसपैठिया तो बाहर के हैं, खतरे में हमारी नागरिकता पड़ रही है। सवाल ये है, ये जो बताइए कैसे खतरे में, बयान जो देते हैं टीवी चैनल पर बैठ के, मेरा सवाल ये है कि आपकी नागरिकता कैसे खतरे में पड़ गई, एक बार थोड़ा देश को बता दीजिए चैनल के माध्यम से। बिल्कुल विस्तार से बताइएगा, हम सब समझना चाहेंगे। बंगाली हिंदुओं से आसाम में जो लाखों बंगाली हिंदुओं की नागरिक चली गई, नौकरी चली गई, घर चले गया, कारोबार चले गया, पैसा चले गया, हमसे पूछो जाके। इलियास साहब आज तुलनात्मक दृष्टि से आज आपने सबसे ज्यादा बोला है, लेकिन आप गरिमा और मर्यादा में रहकर कहे इसकी आज आपकी तारीफ की जानी चाहिए। वोरा साहब सबसे अहम सवाल जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था वो ये कि क्या इस तरह के आंकड़ों को जब इकट्ठा किया जाता है, जुटाया जाता है, तो लोगों के मन में एक भ्रम है। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, आप ये भ्रम साफ करने की कोशिश करिए कि क्या सरकार इससे खुफिया तरीके से सर्वेलांस करने की कोशिश कर रही है, ये जो एनपीआर का जो कदम आगे बढ़ रहा है। देखिए ये भ्रम ही है, सर्विलांस करने के और 50 तरीके हैं, आपने जैसे खुफिया तरीका शब्द इस्तेमाल ही किया है, तो इस डाटा से फर्क नहीं पड़ता इंटेलिजेंस एजेंसीज को। आज भी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास काफी डाटा ऑलरेडी होगा, और ये इस तरह ओपन सरकारी डाटा से इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो कोई ज्यादा इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती हैं, ये एक भ्रम है। तो इसको तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि इसका सर्विलेंस में कोई फायदा नहीं इसको होने वाला, ना वो उसको इस्तेमाल करेंगे जी। आने बड़े लार्ज बेसिस पे जब बड़े बड़े कोई इश्यूज की बात हो तो सिर्फ फिगर्स यूज हो सकती हैं शायद, लेकिन इंडिविजुअल डिटेल कभी भी यूज नहीं हो सकती जी। जी नेहम, मेरा चूंकि ये बहस का आखिरी पड़ाव है, मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप ये इस बात को स्पष्ट करें कि जिस तरीके से मिसलीड करने वाली बात है, या तो वेबसाइट और रिपोर्ट से वो सारी चीजें हटा दी जानी चाहिए ताकि लोगों के मन में ये भ्रम न रहे। तो आखिर मिसलीड न केवल दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं बल्कि सरकार की अपनी वेबसाइट, सरकार की अपनी रिपोर्ट भी गुमराह करने वाली दिखाई देती है, तो किसे सही माना जाए, गृहमंत्री को या रिपोर्ट को? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कुछ भी मिसलीड करने वाला नहीं है। अभी शहजाद जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट कहा कि जब 2003 में नोटिफाई किया गया, 2010 में एक्सरसाइज की गई, उसी रिपोर्ट के आधार पर की गई, तब कोई सवाल नहीं उठे, तब ये कम्युनल नहीं था, तब ये किसी को मार्जिनलाइज नहीं कर रहा था, किसी को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, ओवैसी जी उस पर बयान नहीं दे रहे थे। आज वही एक्सरसाइज रिपीट की जा रही है तो उस पर सबको गुस्सा आ रहा है। अभी साहब ने मुझसे सवाल ये पूछा कि उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए गए, आखिरी पड़ाव है, मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे बहस खत्म करनी है। जवाब दे रही हूँ, मैंने सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सवाल ऐड किए गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है गवर्नमेंट को अधिक जानकारी लेने का, चेंजेस करने का विद टाइम, अगर वो सब सेल्फ डिक्लेरेशन पे है, आपको कोई प्रूफ नहीं देना है, कोई ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर नहीं डाला जा रहा है, गवर्नमेंट आपको ट्रस्ट कर रही है, आपको क्या परेशानी है? आप मुझे समझाइए। लेकिन हाँ, जो गलत जानकारी देगा उसकी जिम्मेदारी जरूर बनेगी, और एक बार अगर ये प्रक्रिया चालू हो गई लोगों को पता लगेगा कितनी आसान है और जितने भ्रम वैसे ही दूर हो जाएंगे। जी तो आपने देखा, तमाम मेहमान अपनी राय है, बीजेपी की अपनी बात है, लेकिन अब भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। जी हाँ, संकट में नागरिकता या भरोसे का संकट, कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है। एनपीआर तो झांकी है, एनआरसी अभी बाकी है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को, जी हां, दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के 7:55 पर। पीएम समझाएं, एमएलए भड़काए, शाह पर ओवैसी का हमला, पाकिस्तान को भारत का सहारा, बुमराह पर गांगुली का बैन, दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, देखिए आंख कान खोल के।